हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गौरव और आप देख रहे हैं गौरव यूनिक ट्रिक्स। फ्रेंड, मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज आ रहे थे, आपको साइड में शो हो रहा होगा, आप इसे पढ़ लीजिए और ध्यान से पढ़ना और इसमें देखना कि वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं। मुझे पता है कि वो इसमें मिस्टेक कर रहे हैं और छोटी सी मिस्टेक ज़्यादा बड़ी हुई नहीं है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ना और इसमें देखना कि वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं। और अगर आपको अभी उस मिस्टेक का पता चल जाता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अदरवाइज़ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये मिस्टेक क्या करते हैं जिससे इन्हें नो यूज़र फाउंड की प्रॉब्लम जो है पासवर्ड डिसाइड करते समय देखने को मिलती है। फ्रेंड, ये मुझे डायरेक्ट मैसेज करके कहते हैं कि भाई, हम जैसे ही फॉरवर्ड पासवर्ड पर जाते हैं और अपना यूजर नेम या मोबाइल नंबर कुछ भी वहाँ पर फिल करते हैं तो हमें नो यूज़र फाउंड देखने को मिलता है। तो फ्रेंड, ये छोटी सी मिस्टेक करते हैं और वो मिस्टेक क्या करते हैं आज आपको इस वीडियो में बता दूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको इसका सोल्यूशन कैसे करना है। फ्रेंड, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी वॉच करना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल सके। और अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी ऐसी ही आने वाली हेल्पफुल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट और चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड, इंस्टाग्राम के फॉरगॉटन पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस शो होता है और फ्रेंड, यहीं से आप अपना यूज़र नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर ऐड करके अपना पासवर्ड रिसेट कर पाते हो। लेकिन जिन भाइयों को नो यूज़र फाउंड की प्रॉब्लम शो होती है वो क्या मिस्टेक करते हैं जिनकी वजह से उन्हें नो यूज़र फाउंड की प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, उसके बाद आपको पूरी अच्छी तरह से उसका सोल्यूशन बताऊंगा कि आपको उसका सोल्यूशन क्या करना है जिसकी वजह से आपको कभी भी लाइफ में नो यूज़र फाउंड की प्रॉब्लम से फेस नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, मान लीजिए आपको अपने इस अकाउंट का जो है पासवर्ड रीसेट करना है। फ्रेंड, आप क्या करते हो कि जो आपको अपना नेम यहाँ पर दिखाई देता है आप उस नेम को जाकर अपने यहाँ पर फिल कर देते हो। जैसे मैं अपना जो वहाँ पर नेम है मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट करके दिखाता हूँ कि आपको नो यूज़र फाउंड का जो है ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है, मतलब कि आपका अकाउंट यहाँ पर शो नहीं होता है। तो फ्रेंड, आप क्या मिस्टेक करते हो? फ्रेंड, जो आपको यहाँ पर ये नेम शो होता है ये हमारा यूज़र नेम नहीं होता है। फ्रेंड, हमारा यूज़र नेम होता है फ्रेंड ये वाला जो आपको ऊपर शो हो रहा है। फ्रेंड, इसके जब आप ये फिल करोगे तभी आपको जो है पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन मिलेगा, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन कई भाई यहाँ पर भी क्या गलती करते हैं, आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा कि मेरा बीच में स्लैश है या आपकी कोई डॉट होगी, जो भी होगी, आप उसे फिल नहीं करते हो। आप सीधा क्या करते हो कि हाँ चलो भाई ये वाला है ना, तो हम यहाँ पर इसे जाते हैं और सीधा यहाँ पर क्या करते हैं, आई गौरव ठाकुर, जैसे मान लीजिए मेरी आईडी थी, बीच में स्लैश वगैरह जो है कुछ भी नहीं लगाते हैं और यहाँ पर आपको फिर से जो है नो यूज़र फाउंड ही देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर रिसेट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है और फ्रेंड आपको यहाँ पर दिखाई देगा एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन अपने अकाउंट में। तो फ्रेंड, आपको उस एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फ्रेंड जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा और फ्रेंड आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पर दिखाई देगा यूज़र नेम। तो फ्रेंड, आपको इस यूज़र नेम पर जाना है और फ्रेंड यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके रखना है ऑल और फ्रेंड इसे कॉपी करना है और फ्रेंड कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर देना है और आप जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो फ्रेंड आपके सामने वो अकाउंट यहाँ पर शो हो जाएगा। इसे आप सेंड एन ईमेल, सेंड एन एसएमएस, जिस पर भी क्लिक करके अपना पासवर्ड रिसेट कर पाओगे। लेकिन आपका अकाउंट अगर मान लीजिए कि मोबाइल नंबर से लिंक है और आपका मोबाइल नंबर मतलब डालने के बाद भी नो यूज़र फाउंड ही आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं अपना ये यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर रहा हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ तो फ्रेंड यहाँ पर नो यूज़र फाउंड दिखाई दे रहा है, लेकिन जबकि मेरा ये नंबर मेरे अकाउंट से लिंक है। तो फ्रेंड, आपको क्या करना है कि आपको अपनी कंट्री का कोड यहाँ पर ऐड करना है, जैसे मान लीजिए 91 हमारे नंबर के सामने लगता है, उसके बाद ही हम अपना नंबर भी डायल करते हैं तो उसके सामने प्लस 91 लिखा होता है। फ्रेंड, आपको प्लस 91 यहाँ पर दिखना है और फ्रेंड आप देख सकते हो कि लॉगिन कोड सेंड, हमारे पास लॉगिन कोड सेंड हो गया है और हमारे पास लॉगिन कोड आ भी गया है और हम यहाँ से अपना पासवर्ड जो है रिसेट कर पाएंगे। तो फ्रेंड, ये मिस्टेक करते हो आप जिसकी वजह से आपको नो यूज़र फाउंड की प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया आप वैसे वैसे स्टेप फॉलो करिए, आपको कभी भी नो यूज़र फाउंड की प्रॉब्लम से फेस नहीं करना पड़ेगा। और फ्रेंड, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज किया था उन्होंने भी यही मिस्टेक की थी कि उन्होंने अपना वहाँ पर यूज़र नेम तो फिल किया ही नहीं था बल्कि उन्होंने अपनी आईडी का जो नॉर्मल नेम होता है वो वहाँ पर फिल किया था, इसलिए उन्हें नो यूज़र फाउंड की प्रॉब्लम शो हो रही थी और उनका पासवर्ड रीसेट नहीं हो पा रहा था। तो फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि आप क्या मिस्टेक करते हैं और साथ में ये भी पता चल गया होगा कि आपको इसका सलूशन कैसे करना है। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।